नमस्कार बागवान भाइयों, आप देख रहे हैं मेरे साथ रुडू अभी अभी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज इस दूसरे भाग में हम देखेंगे नौवीं विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए एक दिवसीय शिविर में पंकजा वास्तु की टेप पॉलिनेशन पे ये विशेष रिपोर्ट। बागवान भाइयों, अगर आप पहली बारी मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जो कि फूड साइंस के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर भूषण मेहता जी, जो कि रोडू के जाने माने चेहरे हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रोडू, और हमारे प्यारे किसान बागवान। मैं आप सभी का इस एक दिवसीय अवेयरनेस कैंप में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सबके बीच में आज हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से आए विशेषज्ञ हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और अपने नीचे में उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप सबको जैसे ज्ञात ही हो गया है कि आज का जो ये एक दिवसीय अवेयरनेस कैंप है, ये हमारे बागवानी में पॉलिनेशन की क्या महत्वता है उसके बारे में है। तो इसी कड़ी में मैं आपको जो आप स्प्रे करते हैं उससे अपने पॉलिनेशन का बचाव कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगी। आप जैसे देख रहे हैं, सबसे पहले तो पॉलिनेटर्स होते क्या हैं? पॉलिनेटर्स वो जरिया है, वो कीट भी हो सकते हैं जो आपके पोलन को, जो कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का, फूल का जो मेल पार्ट होता है उसको आपके फीमेल फ्लावर में ले जाके फर्टिलाइजेशन करता है। उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को आप बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो आपका जो जरिया है जहां से आपका पोलन जाना है आपके मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, वो जो जरिया है आपकी, खासकर जो क्रॉप है हमारी यहाँ की बागवानी में से हमारी कमर्शियल क्रॉप है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि पॉलिनेशन ठीक नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि जो इसके लिए आपके पॉलिनेशन कौन कौन सी चीजें कीट करते हैं। कीट भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, चमगादड़ भी पर पॉलिनेशन करते हैं, तितलियां करती हैं, आपके मॉथ करते हैं, बीटल्स करती हैं। तो इस सब में इंपॉर्टेंट है मधुमक्खियां। मधुमक्खियां आप इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया मूवमेंट होती है पोलन की, पोलन होता है आपके मेल पार्ट में, फूल के मेल पार्ट में आपके पोलन होता है जो कि जाना होता है आपके फीमेल पार्ट में, स्टिग्मा में, क्योंकि स्टिग्मा चिट्ठी का पार्ट होता है, पोलन एक बॉर्डर फॉर्म में होता है, तो बॉर्डर फॉर्म को उस स्टिग्मा में जाने के लिए आपको एक कीट की आवश्यकता होती है जो आपका मधुमक्खी काम करती है। ठीक है, अगर आपका पोलिनेशन अच्छा हुआ तो आपका सीड बहुत अच्छा बन रहा है। सीड बहुत अच्छा बन रहा है मतलब आपका फ्रूट सेट बहुत अच्छा होता है, तो इससे क्या होगा, एक तो आपका क्वालिटी फ्रूट बनेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी आपकी सीड। जैसे मैंने आपको बताया पोलिनेशन से आपका सीड बनता है, सीड से आपका फ्रूट सेट अच्छा बनता है। अब जो मधुमक्खियां हैं ये जाती हैं, पर ये क्यों जाती हैं? अब मधुमक्खियों को क्या मिलता है, ये म्यूचुअल बेनिफिशियल होता है दोनों के लिए, दोनों को आपस में फायदा मिलता है। फूलों को क्या मिलता है, फूलों में फूड सेट होता है, सीड बनता है ना, उनके आगे की नया प्लांट बनता है फूल में। ठीक है, अब फ्रूट की बात करें, एप्पल ट्री की बात करें, अगर आप कीड़ की बात करें तो कीड़ा क्यों जाएगा उस फूल पे, कीड़ा इसलिए जाएगा क्योंकि उसको वहां से पोलन और नेक्टर मिलेगा जो उसके लिए जरूरी है। ठीक है, आपको पता है नेक्टर में आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो पोलन, सूरज चौहान जी जो हमारे बीच में आए थे प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो यहाँ पे पोलन लाए हैं, पोलन लाए ना जो आगे देख सकते हैं आप बॉटल में लाए हैं, ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। आप वहां देख सकते हैं बॉटल में रखा हुआ है पीला पीला सा दिखेगा आपको, वैल्यू से ये गणेश जी लाए हैं, तो ये पोलन है, मधुमक्खियां ये पोलन लाती है जो अपने बच्चे को भी खिलाती है, तो सूरज चौहान जी पोलन भी कलेक्ट करते हैं जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। पॉलिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, पोलन मूव करते हैं मेल से फीमेल में, जिसके लिए आपको मधुमक्खी की जरूरत पड़ती है, ये पहला स्टेप है जिससे आपका सीड बनता है, उससे फूड बनता है। अब आप अगर दो तरह की पॉलिनेशन होती है, एक होगी सेल्फ पॉलिनेशन, एक होगी क्रॉस पॉलिनेशन, और हमारे सेबों के लिए हमें क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। जैसा कि हमारे इंजाज साहब ने बताया आपको कि आपके सेब में कम से कम 25 से 33% आपकी पॉलिनेशन वैराइटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पॉलिनेशन वैराइटीज को आप लगा भी लेंगे तो उसके लिए आपको कीटों की आवश्यकता होगी, जितने ज्यादा पोलन्स बनेंगे, जितने ज्यादा कीट होंगे उतनी ज्यादा आपकी पॉलिनेशन होगी, आपको उतना अच्छा फ्रूट सेट होगा।
अब आप बोलते हैं कि जी इस बार आपने देखा होगा आपके बगीचों में मौसम भी इस बार ठीक नहीं था उत्तराखंड के टाइम पे, ठीक है। और कई बार हम क्या करते हैं, सेब के बगीचे की अगर हम बात करें प्रैक्टिकली बोल रही हूँ मैं, है ना, तो आप क्या करते हैं अगर फूल जैसे अगर मौसम बहुत खराब हो तो नहीं जा पाएंगे, जिस वजह से क्या होगा आपने देखा होगा आपके फूल तो अच्छे आए लेकिन आपका बाहर में फूड सेट काफी कम हुआ। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मधुमक्खियां बाहर नहीं जा पाई जिस वजह से आपका फूड सेट अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका फूल अच्छा था। और एक बात और जरूर, जब आप अपनी मधुमक्खियों के छाते लगाते हैं आपके बगीचे में तो कम से कम आपकी 10 से 15% पानी होनी चाहिए उस टाइम। उस टाइम क्यों, क्योंकि उस टाइम आपका एक टीम प्लांट होता है जिसको टीम ब्लॉसम बोलते हैं, अगर उसके खिलने से पहले 2 दिन पहले आपको मधुमक्खियों के छत्ते आपके वहां पे होने चाहिए। इसलिए बोलते हैं आपको जब आपके बगीचे में 10% पानी हो उस टाइम आप मधुमक्खियों के छत्ते अपने वहां पे रखिए, कॉलोनी रखिए वहां। अगर उसके बाद रखेंगे, अगर आपके खिल गए हैं उसके बाद रखेंगे तो कमजोर जो फूल होंगे उसके पॉलिनेशन होगा, आपको फूल से इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए बोला जाता है आपको 10 से 15% जितनी होगी उस टाइम आप अपने बगीचे में मधुमक्खियां रखें। एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था अगर मधुमक्खियां इस जमात से गायब हो जाए तो क्या होगा, मनुष्य 4 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। इसलिए क्योंकि हमारी जो फसलें हैं 80% जो हमारी फसलें हैं उनमें आपको पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है जिनमें मधुमक्खियां मुख्य रूप से अपना काम करती हैं। अब मधुमक्खियों की हम क्यों बात करें, अगर आपने मधुमक्खियों को देखा होगा तो आपने देखा उनका हेयरी स्ट्रक्चर होता है, बाल होते हैं उनकी बॉडी में, बहुत आधा इंच लंबी होती है बॉडी में बाल होते हैं। तो वो जो फूल पे जाती है तो क्या होता है तो उनके फूल उनके बॉडी में चिपक जाते हैं, कुछ उनके लेग्स में चिपक जाते हैं, फिर दूसरे फूल में जाएगी तो वहां कुछ झड़ जाते हैं जिस वजह से ऑटोमेटिकली वहां क्या हो जाता है पॉलिनेशन सेट हो जाता है, पॉलिनेशन होता है आपका पोलन जाके स्टिग्मा में चला जाता है और आपका सी बन जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है। और बदले में क्या जो आपकी हनी बीज है वो नेक्टर पोलन कलेक्ट करती है। और मधुमक्खियां जो पाला है मधुमक्खियां जिन्होंने रखी है उनके आप उनसे पूछ सकते हैं, सूरज चौहान जी से आप पूछ सकते हैं कि जैसे इनको हनी मिल रहा है ना, हनी का क्या रेट है आपको पता है किलो कितने का मिल रहा है ना, वैक्स मिलता है हनी से बहुत सारी चीजें मिलती है, पोलन मिल रहा है आपको। और जो आपका सीजन होता है जो आपके पालिंग टाइम में आप एक जो देते हैं 1000 रुपये का देते हैं मेरे ख्याल से, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें फायदा भी कितना। और जिसकी जमीन कम है तो वो भी लगा सकते हैं, है ना, जो ज्यादा बेटर है उनके लिए। तो आप जैसे मधुमक्खियां हम बोलते हैं कि वैसे चीजों को मारते हैं जिसको हम कीटनाशक बोलते हैं, फंज और कीटनाशक बोलते हैं हम इसको, और आपकी मधुमक्खी भी ये कीट है तो वो उसको भी मार देती है। तो इंसेक्टिसाइड आपके मधुमक्खियों के लिए ज्यादा खतरनाक है फंजिसाइड और वीडिसाइड से कंपेरिजन में। तो फंजिसाइड होगी वो जो आपकी बीमारियां फैलाते हैं तो उनको मारने के लिए आपको फंजिसाइड यूज करते हैं, जो फंगस लगती है आपकी बीमारियां लगती है उनको मारने के लिए फंजिसाइड आप यूज करते हो तो वह फंजिसाइड है। वीडिसाइड हुआ कि आपने घास वगैरह को मारने के लिए आपने वीडिसाइड यूज कर लिया, ठीक है। अब इंसेक्टिसाइड कैसे अफेक्ट करता है आपकी मधुमक्खियां, मैंने बोला इंसेक्टिसाइड सबसे ज्यादा खतरनाक होता है आपकी मधुमक्खियों की कीटनाशक, इसलिए बोलते हैं कि जब आपका फुल ब्लूम में होता है एप्पल का ऑर्चर्ड तो उस टाइम आपको कीटनाशक स्प्रे नहीं करना चाहिए। अब सिम्टम्स भी कैसे होते हैं बी पॉइजनिंग के, क्या होता है मधुमक्खियां छाते के बाहर मरी होती है, कई बार फ्रेमों के ऊपर मरी भी पाई जाती है, मधुमक्खियां रात भी इसको खोल जाती है, आपस में भी लड़ने लग जाती है। जो क्वीन होती है जिसका काम होता है लेइंग का वो भी एग लेइंग स्टॉप कर देती है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, खाना कम हो जाता है, अल्टीमेटली जो उनके बी प्रोडक्ट होते हैं पोलन नेक्टर वगैरह वो सारे कंटेमिनेट हो जाते हैं। तो एक तो होता है ना डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हनी बीज, डायरेक्ट बीज आपने स्प्रे कर रहे हैं उस टाइम मधुमक्खियां आ रही अपना खाना लेने के लिए तो उस टाइम डायरेक्ट उसमें इफेक्ट में आ जाएगी। पर इस चीज में क्या होगा जो मधुमक्खियां होंगी जो खाना लेके आई होंगी वो उसी टाइम वहां पे बाहर फील्ड में मर जाएगी जहां पे वो गई होगी। पर इससे क्या होगा आपकी जो क्वीन होगी जो भ्रूण होगा आपका भ्रूण बच्चे होंगे जो नर्स बीज होंगी जो आपकी छाते में होगी वो बच जाएगी क्योंकि वो कॉन्टेक्ट में नहीं आई है, पॉइजन के कॉन्टेक्ट में वो नहीं गई क्योंकि खाना ढूंढने दूसरी मधुमक्खियां गई है वहां, तो वो हुआ आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में वहां पे आती है फील्ड में मर जाती है। दूसरा हुआ इनडायरेक्ट, मतलब आपने स्प्रे किया स्प्रे से रेजिड्यू रह गया, रेजिड्यू क्या चीज हुई जब भी आप कोई स्प्रे करते हैं उसके बाद जो बच जाता है पदार्थ तो उसको रेजिड्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आपने स्प्रे कर दी बगीचे में उसके बाद मधुमक्खियां वहां आई, कई तो ऐसे होते हैं कि एकदम से मधुमक्खियों को मार देते, कई ऐसे होते हैं जिनका लेट इफेक्ट होता है तो वो क्या करते हैं मधुमक्खियां वहां से पोलन को उठा लेगी, उसमें पोलन में स्प्रे किया होगा
सेटिस्फाइड होगा आपका, वो ले जाके अपने हाइव में छोड़ देंगी, हाइव में क्या होगा फिर दबाव में जाके मर जाएंगी, तो हाइव में जो उन्होंने पोलन लिया होगा तो उससे नर्स बीज जो होंगी वो भी मर जाएंगी, ब्रूड भी मर जाएगा, तो अल्टीमेटली वो पूरी कॉलोनी को ही खत्म कर देती मधुमक्खी होगी। तो इतना खतरनाक है, हम सबको ये जानने की जरूरत है। ये चीज तभी सॉल्व होगी जब बी कीपर और फार्मर्स आपस में अच्छी तरह कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ जी हमने आज स्प्रे करनी है, तो मधुमक्खियों को अपनी वहां पे रखो या टेंपरेरी कहीं शिफ्ट कर दो कुछ टाइम के लिए जो पेस्टिसाइड फ्री एरिया है। तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है बी कीपर्स की भी और फार्मर की भी, क्योंकि फायदेमंद दोनों के लिए। बी कीपर को अपनी मधुमक्खी से शहद पोलन भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, फार्मर को अगर आप देखा जाए ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि आपकी क्रॉप 10-12% बढ़ जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो फार्मर के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके पॉलिनेशन हो, फ्रूट सेट हो। अब क्या क्या से फैक्टर हैं जो बी पॉइजनिंग करते हैं? पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, जो डस्ट है वो ज्यादा खतरनाक होती है एज कम्पेयर टू स्प्रे। डस्ट क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि डस्ट क्या होगा, पाउडर फॉर्म में होगा, क्या होगा मधुमक्खी के बालों में चिपक जाएगा, ठीक है, तो जिससे वो इजीली उसके बालों में आ गया तो वो कहीं जाएगी तो वो अपने मधुमक्खी की छाते में या मतलब कंटेमिनेट होगी। तो डस्ट ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू जो आपके सॉल्यूशंस आते हैं, है ना, इसी में आते हैं आपके। जैसे इसी में देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद वो जो उसका स्प्रे किया होगा वो ड्राई हो जाएगा, आपका पत्ता सूख जाएगा, तो मधुमक्खियों पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। और दूसरा आपका हो गया पीरियड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब मधुमक्खी आपको पता है दिन के टाइम में जाती है, फ्लाइंग है दिन के टाइम में जाती है, ठीक है। अगर हम दिन के टाइम में स्प्रे करेंगे, आपको जैसे मैंने बताया स्प्रे किया मधुमक्खियों आई मर गई, तो मधुमक्खियों के लिए हार्मफुल है। फिर आ गया आपका टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जो मैंने आपको बाकी दिन के टाइम में मधुमक्खियां ज्यादा एक्टिव होती है तो आपको वो ज्यादा खतरनाक होगा अगर आप उस टाइम स्प्रे करें मधुमक्खियों के लिए। एक मैंने